Assalamu alaikum. Good morning. How are you, my sweet kids? Hope you all are fit and fine. Today we will learn a new concept, happy and sad. Related to happy and sad, I will show you some examples. तो पहले हम हैप्पी फेस के एग्जांपल्स देखेंगे कि आप स्टूडेंट्स कब कब हैप्पी होते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स लुक दिस पिक्चर. जब आपका बर्थडे होता है तो आपको मम्मी डैडी गिफ्ट देते हैं, राइट? तो आपका फेस कैसे हो जाता है, आप कैसे फील करते हो? हैप्पी, राइट? स्टूडेंट्स लुक दिस नेक्स्ट पिक्चर. आपको मम्मी डैडी संडे पार्क में घुमाने ले जाते हैं तो आप कैसे महसूस करते हो? हैप्पी, आप खुश हो जाते हो. स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स स्कूल में टीचर आपको प्रेस करते हैं आपके फर्स्ट आने पे, या आप होमवर्क करके जाते हो तो टीचर आपको प्रेस करते हैं तो आप कैसा फील करते हो? हैप्पी. Now, related to sad concept, I will show you some examples, right students? Sad का मतलब होता है students, दुखी होना, right? So, let's look some examples related to sad concepts. Now, look this picture. जब ही आपको मम्मी आपके होमवर्क न करने पर आपको स्कोल्ड करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आप डर जाते हो स्टूडेंट्स, आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, राइट? तो सैड का मतलब होता है दुखी होना. नाउ लुक दिस पिक्चर. अगर आप सीढ़ी चढ़ते वक्त या स्टेयर पर चढ़ते वक्त स्टेयर्स से गिर जाते हो, आपको हर्ट होता है, लग जाती है आपको, आप रोने लगते हो स्टूडेंट्स, राइट? और आपका फेस कैसे होता है? सैड हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो स्टूडेंट्स, राइट? नाउ इन दिस पिक्चर ये बॉय का टॉय टूट गया है, ब्रोकन हो गया है स्टूडेंट्स. तो बॉय का फेस कैसे बताया है? सैड, वो दुखी हो गया है कि उसका टॉय टूट गया. नाउ स्टूडेंट्स लुक दिस पिक्चर. आपको मम्मी डैडी बाहर लेके जाते हैं, राइट? संडे को या कभी भी, तो आपको मम्मी या डैडी आइसक्रीम दिलाते हैं ना बाहर से, तो आइसक्रीम कैसी रहती है? ठंडी ठंडी, कूल कूल, राइट? आपने वेकेशन में खाई होगी ना आइसक्रीम, तो मम्मी डैडी आपको आइसक्रीम दिलाते हैं ना, आप कितने खुश होते हो, आप कैसे रहते हो? हैप्पी हो जाते हो कि मम्मी ने हमको आइसक्रीम दिलाई, कैंडी दिलाई, राइट स्टूडेंट्स? तो इस पिक्चर में भी ये बॉय ने आइसक्रीम अपने हाथ में पकड़ी हुई है, राइट? और बॉय का फेस कैसा दिख रहा है आपको? हैप्पी, वो खुश है कि उसके हाथ में आइसक्रीम पूरी है, राइट? नाउ इस पिक्चर में बॉय के हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर गई है, राइट? तो बॉय का फेस कैसे हो गया है? सैड, वो दुखी हो गया है कि अब मैं आइसक्रीम कैसे खाऊंगा, मेरी आइसक्रीम तो नीचे गिर गई, वो दुखी हो गया है स्टूडेंट्स. Students, I hope you all have understood the concept of happy and sad very clearly. Happy का मतलब होता है खुश होना और sad का मतलब होता है दुखी होना students. Fine? Now students, we will do an activity that is color happy face with the yellow and sad face with green color in our math 1 notebook. So let's start. Students, open your math 1 my screen book page number 5. Kaun sa page open karna hai students? Page number 5. Now our topic is color the happy face with a yellow color and the sad face with a green color. Now students, I hope you all have understood the meaning of happy
एंड सेड वेरी क्लियरली, राइट। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना और सैड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दुखी होना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हैप्पी फेस है उसमें आप कौन सा कलर करोगे, विच कलर यू विल डू इन हैप्पी फेस। यस, वी विल डू येल्लो कलर। एंड इन द सैड फेस विच कलर यू विल डू स्टूडेंट्स, यस वी विल डू ग्रीन कलर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। फर्स्ट वी विल कलर द हैप्पी फेस विथ अ येल्लो कलर। ये स्टूडेंट्स ये हैप्पी फेस है, खुश होना, तो हम इसमें कौन सा कलर यूज करेंगे, येल्लो। ओके, तो टेक आउट योर वैक्स क्रेयन एंड फ्रॉम दैट वैक्स क्रेयन यू विल टेक आउट येल्लो कलर। ओनली यूज येल्लो कलर इन हैप्पी फेस, आपको कोई दूसरा कलर नहीं लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे येल्लो कलर मेंशन किया है तो आपको हैप्पी फेस में येल्लो कलर ही करना है स्टूडेंट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। अच्छे से आपको कलर करना है हैप्पी फेस में येल्लो कलर। कलर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। स्टूडेंट्स कलर आपको अच्छे से करना है, राइट, इस तरीके से। इन दिस वे यू विल डू कलर इन हैप्पी फेस विथ अ येल्लो कलर, ओके। नाउ वी विल डू कलर इन द सैड फेस। नाउ विच कलर वी विल टेक स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू color in the sad face with a green color, okay. Only use green color in the sad face, right students. So come on, let's start coloring students. Barabar circle mein aapko color karna hai green color sad face mein, right. Green color hi lena hai, koi dusra color aap use nahi kar sakte ho. सैड का मतलब होता है दुखी होना स्टूडेंट्स। वाइटनेस नहीं दिखनी चाहिए, राइट। इन दिस वे यू विल कलर बोथ द फेसेस। इन हैप्पी फेस यू यूज येल्लो कलर एंड इन सैड फेस यू विल यूज ग्रीन कलर। इस तरीके से आपको दोनों फेस में अच्छे से कलर करना है स्टूडेंट्स। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टॉपिक दैट इज क्रॉस आउट द फुल ऑब्जेक्ट एंड टिक द empty object students, right. Thank you, have a nice day.